बीदर जिला के औरादबी तालुके में सुंदर ग्राम पंचायत में आने वाला गांव खाशमपुरी गांव के निवासी ईरैया स्वामी को बसवा वसती ग्राम सभा में मंजूर हुआ है। खाशमपुरी वर्ष 2021 से 22 के लिए बसवा आवास योजना वानती योजना के तहत सुंदर ग्राम पंचायत का लाभार्थी कोड 423346 है। इस घर के मालिक ईरैया स्वामी ने दूसरा बिल पास न होने पर खुद से कोशिश करके मकान बनाया, परंतु सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए दिए जाने वाला बिल अभी तक पास नहीं हुआ। एक ही बार बिल पास किया गया, उन पैसों से ईरैया स्वामी ने बेसमेंट तक ही घर का काम करा लिया। उसके बाद फिर बेसमेंट से नंदल तक जो मकान का काम कराया गया, उसका दूसरा बिल पास नहीं किया गया, जिसके कारण ईरैया स्वामी बड़ी परेशान है और सरकार से गुहार लगा रही है। इस संबंध में खाशमपुर एक निवासी बंडप्पा ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। और याद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। बिल बंद रे मनी कटको मैं याक बिल बरल हंटद यार केना सरपंच पंचायत यार इलाना ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ ಮಗ ಹೋಯ್ತಾರಲ್ಲ ನಾ ಎತ್ ಹೋಯ್ತ ಬೇಟ ನನ್ಗ ನಂಗ್ ನಡ್ಯಾಣ ಆಗಲ್ ನನ್ ಕೈಲ ಆಗಲ್ದು ಮತ್ ನಾ ಹಲತ್ ಬೇಹಲಿರ್ತದ ನನ್ ಸುಮ್ಮ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ ಅವ್ನ ಮೂರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿದ ತಂದಿಬಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಯಾವ ಈಗ ನಾವ್ ಒಬ್ಬ ಅವನ್ ಹಾಲಕ್ ಹಾಲತದ ನಂದು ಅವಂದು ಇದಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಬಿಲ್ಲು ಬರಲ್ದ ಯಾವ್ದಂಬದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮನೆ ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲತ್ತು 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ये जो चंद्रम्मा का कहना है ईरैय की जो ईरैया स्वामी है ना उनके माता जी जो चंद्रम्मा का कहना है कि बहुत भावुक होके क्या है बोलो तो अधिकारियों को क्या है बोलो तो शाप दे रहे हैं। तो अलोका पंचायत के अधिकारी को शाप दे रहे हैं और पंचायत डेवलपमेंट अधिकारी को शाप दे रहे हैं कि क्योंकि उनकी आंसू देख सकते हैं हमारा सीधा क्या है बोलो तो हमारे कैमरामैन बता सकते हैं कि उनको आंसू देखिए उनके आंसू देखिए फिर भी क्या है बोलते हमारे कैमरामैन उधर बता सकते हैं कि ये 1.5-2 साल का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात क्या है बोलो तो ईरैया स्वामी की जो माँ है माँ का कहना है कि क्या बोलते बहुत बदवा दे रहे हैं सरकार को प्रशासन को बहुत बदवा दे रहे हैं। और दूसरी बात कर देख सकते हैं कि फिर भी हमारे साथ इन्हें समस्या कर निम्का मई तो ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಡ್ದ ಗರೀಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಹಾಲತ್ತದ ಅಂತಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡ್ದ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರ ಮಾಡಬೇಡ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ ಹೊಂಟಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹೋದ್ರ ಬಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಅಂತಾರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಲತ್ತಾರ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ದರ್ ಈಗ ಇಲ್ತಾನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಂದ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಆಯ್ತದ ನಮ್ ಹಾಲತ್ತದ ಹೊಲ ಅದ ತೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ನೆಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಲವಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಕಡಿಚೆ ಕರೆದ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ದುಡ್ಡಿನ ಆಮದನಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಹಲಕಿಸ್ಕೊಣ ಅವನ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವನೇ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನ ಅವನೇ ನಾ ಹಾಕ್ತಾನ ಹೋಯ್ತು हमारे कैमरा मैन बता सकते हैं कि खुद क्या बोलो तो ये 70 साल के जो बूढ़ी महिला है उनका देखा कहना है कि देखिए खुद 70-75 की उम्र बता रहे खुद बता रहे हैं महिला बता रहे हैं खाशमपुर गांव के महिला जो ईरैय की जो माँ है ना वो उनका कहना है पर्दा लगा के हम हारे हैं बल्कि क्या बोलते ईरैया के माँ का कहना है। और दूसरी बात हम और एक सवाल करते हैं कि इन्हें सुविधा राशन कार्ड आगे मत ऐन राशन कार्ड नन आधा बेटे एलिए अदा आधार कार्ड अदा ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಂಟ ಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂತಿ ಬಿದ್ದದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಂಟರ ಇವ್ರದ್ರ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹುಡುಗದು ರಾಶಿ ರುಪ್ತಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಬದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವನ ಹಲತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಬದುಕಾವ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಯಾವ್ದು ಈ ಹಾಲತ್ ಹಿಂಗ ಅದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪಂಚರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ದ ಏನ್ ಮಂಡಲದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ದ ಅನ್ನ ಸಿಗುಂಟು ಎರಡು ಗುಡಿ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಾನ ನನ್ ಮಗ ಅದ್ರ ಹಸಿ ರುಪ್ತೆ ಊರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಂದೆ ನಾವು ಉಣ್ತೇವ್ ತಿಂತೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂದಂದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ ನಾವ್ ಜೂಪ್ ತಕ್ಲಿಪ್ ತೋಲ್ ಆಗ್ಯಾದ ಇನ್ ನೀವರ ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದೀಗ ಏನ್ ಹಾಲತ್ತದ ಅಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯತ್ತದ ಅದೇ ಮತ್ ನೀವು ನಾ ಈ ಮಾತು ಆಡ್ತಿದ ಮತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆಂಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಈ ಜೋ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕಾ ಜೋ ಈರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಜೋ ಮಾ ಕಾ ಕಹನ ಹೈ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕಾ ಕಹನ ಹೈ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಬೋಲೋ ತೋ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಬೋಲೋ ತೋ ಜೋ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈ
जो स्वामी हैं वो स्वामी क्या है, जो भी अगर से जो मंगले के जो आते हैं, रास मंगले के आते हैं, कुछ भी अगर से मंगले के जो आते हैं हम उसके ऊपर गुजारा करते हैं। बिल्कुल क्या बोलो तो इरे स्वामी का माँ का कहना। कैमरा पर्सन पप्पूराज के साथ मैं अलीम पाशा, केपी न्यूज और कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में आज क्या है बोलो तो सुंदर ग्राम पंचायत के अंदर आने वाला गांव खाशमपुर ये है। और दूसरी बात क्या है बोलो तो खुद खाशमपुर एक गांव के निवासी बंडप्पा हमारे साथ खुद मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। दूसरी बात क्या है बोलो तो ये बसवा वसती जो जो मकान आया है ये एक बार बिल हो गया है, एक बार बिल हो गया और एक बार बिल होने के बाद क्या बोलते दूसरी बात आने के बाद जीपीएस करें, जीपीएस करने के बाद क्या बोल तो ऑलरेडी आनंद में चले गया, फिर भी क्या बोल तो सेकंड बिल तो आया नहीं, एक साल हो गया बोलकर क्या बोल तो इरैया स्वामी जो इरैया स्वामी का कहना है। दूसरी बात हमारे पास गांव के निवासी है बंडप्पा है, हम उनसे बात करेंगे। सब ये इरैया स्वामी का प्रॉब्लम है, हाँ सर जो इरैया स्वामी है ना उनका प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार बिल है आया कथे। और दूसरी बात क्या बोल तो पूरा रेंटल लग डाले हुए हैं, फिर भी क्या बोल तो उसको सुविधा क्या है, क्या नहीं अधिकारी को गए आने का, अधिकारी को गया सर, गरीब लोग का है, पूरे ये 20 मिनट का बिल दिए, बाद में सर बिल नहीं आए, उन्होंने परेशान होके बैठा सर दोस्त नो, और दूसरा तरफ पैसे लाके डाले मकान यहाँ चिरक गया अभी। अच्छा हाँ बनना बोले तो हाथ में पैसा नहीं, ब्याज से निकाले तो नुकसान हो जाता, अब दूसरा उनका घर में है उन्होंने। अच्छा हाँ डेढ़ साल से पैसा नहीं आ रहा उनके, एक की बिल हुआ खाली, जो अब जो भी है उनका घर दूसरा है समझे वो, हाँ दूसरा उनके घर में रह गए उन्होंने। अच्छा हाँ रहे सो अपना जगह बन ले रहा, दूसरे के घर में है। अच्छा गरीब आदमी को बहुत परेशान कर दे रहे लोग का, युवा कहने गए तो अभी युवा होता बोलता, पीढ़े भी हूँ बोलता, पैसे नहीं आ रहा कहीं को नहीं आ रहा है वो थोड़ा तुम टैली करके उसका पैसा नहीं, नहीं जो फिर भी क्या बोलते जो हम आनेली में डाले बोल को कुछ वीडियो बताते हैं, हाँ हमारा जीपीएस होगा हम डाली बोल के बताते हैं, हाँ अधिकारी को फिर भी अब एक बार दो बार हो लिया तीसरी बार जाको अगर अधिकारी को संपर्क करे तुम, हाँ सबको संपर्क करे, तीन तीन बार चार चार बार संपर्क करे, भाई डाले बोलते पीड़ो भी बोलते युवा भी बोलते, पैसे नहीं आ रहे डाले तो जा रहे काम। नहीं दूसरी बात क्या है बोलो तो जो जीपीएस जो किया है वो ऑनलाइन पे चले गया है, मुख्य अधिकारी जो तालुका पंचायत अधिकारी जो वीरेंद्र सिंह ठाकुर है ना, उसको जाके मिले क्या तुम, हाँ मिले सर हम मिले बोले तो आता चार दिन में पैसे आते तुम चले जाओ बोल रहा, खाली चार बार गए तो भी अपना बोल रहा है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, पीड़ो साहब को फोन करे तो पीड़ो साहब आरो बोल रहे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तीन तीन बार जाके आया दोनों भी, अब उनको कितने वो हमारे इरैया स्वामी को भी दो तीन बार समझो, हाँ दो बार ले गया उनको, जी जी हाँ दो बार ले गया, वो बाथरूम के पैसे डालो बोलो तो भी नहीं डाल रहा है, लेबर के पैसे रहते ना काम वो भी नहीं डाल रहा है। अच्छा यार नंबर निकालो बोले तो पैसा होना कहाँ से ला के देते गरीब लोग का, अच्छा देते इसलिए ये परेशान होके बैठा हूँ। अच्छा चलो बोले तो गया हम परस के दिन तीन बार गए युवा करें, हाँ भाई बोलते जाओ बोलते जाओ, इतना इतना चाहिए युवा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंडप्पा है सर। ये जो गांव के निवासी है बंडप्पा युवा के पास तीन बार जाने के बाद क्या बोलो तो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किल का। दूसरी बात क्या है बोल तो अधिकारी जाने के बाद अधिकारी रेस्पॉन्स नहीं बोल पाए, किसमें क्या बोलते जो घर सेंक्शन हो गया था, दूसरी बात एक ही हो गया जीपीएस, एक होने के बाद खाली क्या बोलते हमारे कैमरा मैन बता सकते 20 मिनट का ही पैसा आ गया, एक 20 मिनट का पैसा आने के बाद क्या बोलते दूसरी क्या बोलो तो पंचायत डेवलपमेंट अधिकारी दूसरी बात क्या बोलते यहाँ पर आकर जीपीएस आने, जीपीएस आने के बाद भी क्या बोलते तकरीबन एक साल से पेमेंट नहीं है बोल के तकरीबन क्या बोलते पंचायत को गए बोल के कहना है, तालुका मुख्य अधिकारी तालुका पंचायत मुख्य अधिकारी को गए बोल के कहना है, फिर भी हम और एक बार कॉन्टेक्ट करेंगे हम उनसे ही, न्यू तालुका पंचायत अधिकारी होगी जो दूसरे भी अगर से बस उतरी में कौन से भी स्कीम के अगर से जो मकान आ गए है वो मकान आए नहीं दूसरे को आया ना पूरे दो बिल हो गए उनके दो बिल हो गए एक साल में उनका दो बिल हो गए हमारे एक ही नहीं एक साल के अंदर दो बिल हो गए आपका दो साल हो गया एक बिल हो गया हमारा। और दूसरी बात हमारे पास क्या है बोलो तो जो ये मकान इतना अच्छा है उनको जो मकान है हमारे कैमरामैन बता सकते हैं कि अपने खुद के पैसे दान कर क्या बोलते नेंटल तक जो
जो निरंतर तक काम किए हैं, और दूसरी बात सेकंड बिल को क्या बोलते हैं, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यही इरैया स्वामी ने, जो इरैया स्वामी है वो दूसरे के मकान के अंदर है। हमारे कैमरामैन आगे आगे बता सकते हैं कि आगे आ सकते हैं हमारे कैमरा, तीन तीन साल बंद है, इरैया स्वामी जो कितना मुश्किल में जी रहे हैं फिर भी देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन देखकर बता सकते हैं कि देखिए हालत क्या है इनकी, इरैया स्वामी की। जो मकान आया है, मकान आने से क्या बोलते देखो, दूसरे का मकान है, ये अपना मकान नहीं है। देखिए ये देख सकते हैं, ये हमारे क्या है बोलो तो ये बुजुर्ग है, और दूसरी बात इनके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है, आप देख सकते हैं रखने के लिए जगह नहीं है। ये देख सकते हैं जो इरैया स्वामी के जो हालत देख सकते हैं, अधिकारी या प्रशासन क्या कर रहा है। दूसरी बात देखिए, वहाँ पे या बाथरूम नहीं है या संडास रूम नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात खुद हमारे साथ इरैया स्वामी है, हम फिर भी उनसे बात करेंगे, ये तो इरैया स्वामी का मकान नहीं है बोल के बता रहे हैं गांव के निवासी बंडेपा का कहना है, फिर भी क्या है बोलते हमारे साथ इरैया स्वामी है, हम उनसे बात करेंगे। ये मकान किसका है? हमारे भाई का है। तुम्हारे भाई का है, तुमको क्या बोलते मकान बोलते जमीन बोलते इतनी इतनी जमीन है, पावर हवारिस कर रहा है, देखो मुश्किल कैसा है, शाम पा रहे हैं क्या है बोलो, तो पैसे नहीं है हाथ में, तो कर्जा निकल से बंद है, हाँ पैसे नहीं है। अच्छा, वो बोलते कैसा करेंगे हम जी, बंदो जीपे करेंगे आते पैसे बोलते साहब, बंदो बोल रहे हैं जीपे साथ बोल रहे हैं पैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलते हैं जी, तो पैसे कहाँ चलाऊँ साहब, 20 लाख 2 लाख बंद है तो गरीब गाँव में भीख मंजा खाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ चलाऊँ पैसे, तीन बच्चे छोटे छोटे, माँ है बुढ़ी, ये सब उकाना को हाथ में भरा। अच्छा, गरीब परिस्थिति है साहब, हम कैसे करें, बारिश आ रही तो हम दूसरे के घर में जाके सो रहे, ये भी गिर जाता है उनका। अच्छा। घर उन्हें बोल रहा भाई गिर जाता तुम खाली करो, हमारा भाई बोल रहा है, ये आपका नहीं है, हमारा भाई का है, ये तुम्हारे भाई का है, छोटा भाई का। आपका नाम क्या है? इरैया स्वामी। इरैया स्वामी, ये इरैया स्वामी का कहना है कि देखिए हम क्लीन बता सकते हैं कि जो पानी लाने के लिए हमाम नहीं है इनके पास, जो गाँव के जो स्वामी है, गाँव के जो इरैया स्वामी बोल के है, ये कोई दर्जा ऐसा होता है कि एक स्वामी का दर्जा ऐसा होता है कि भगवान का दर्जा होता है गांव के लिए, फिर भी देखिए इसको गांव वाले या मेंबर या कोई तो है या नहीं है गांव वाले, फिर भी देख सकते हैं। देखिए हमारे कैमरामैन आगे आके बता सकते हैं कि देखिए भाई इनको नहाने के लिए पानी नहीं है, ये देख सकते हैं पर्दा लगा के नहा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है, जब बड़े बड़े दावे ठोकती है सरकार, हो हम वो किया उतने मकान किया इतने मकान किया बोलकर।